सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में फाइनेंस बताने वाला हूँ। फोन पे में इंडियन बैंक को लिंक करके आपको कैसे बैलेंस चेक करना है, इस वीडियो में फाइनेंस बताने वाला हूँ। आज की समय में कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स। फोन पे में इंडियन बैंक को कैसे लिंक किया जाता है, कैसे आपको बैलेंस चेक करना है, इस वीडियो में फाइनेंस बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करने छोटी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके घंटे प्रेस करिए ताकि यूट्यूब से ऐसे रिलेटेड वीडियो आपको इस समय पर मिलती रहेगी। आपको प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर का जैसे ओपन करेंगे आपको इसमें टाइप करना है फ़ोन पे। चलिए यहाँ इसमें फ़ोन पे, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ फ़ोन पे, लिखते हैं आपको यहाँ पे सर्च करना। फ़ोन पे जैसे सर्च करेंगे देखिए आपको यहाँ पे ये फ़ोन पे की एप्लीकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फ़ोन पे यूपीआई रिचार्ज ये आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। इसके अगर डाउनलोडिंग की बात करें यहाँ पे ये 100 मिलियन इसके डाउनलोडिंग है, यानी इंडिया में बहुत सारे आदमी इसको करोड़ से भी ज़्यादा इसको यूज कर रहे हैं। चलिए एप्लीकेशन को यहाँ से मैं अपडेट देकर मैं इसको ओपन करके आपको दिखलाता हूँ। मेरे यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, चलिए इसको ये एप्लीकेशन के यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह का ऑप्शन आपके यहाँ पे शो करेगा। देखिए यहाँ का क्या फीचर, आपको सब फीचर यहाँ पे शो कर जाए। मोबाइल रिचार्ज कर, डिश रिचार्ज, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कार्ड बिल यहाँ पे बुक, यहाँ पे गैस का बिल यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारा ये ऑप्शन है, तब MPL का ऑप्शन, फ्लिपकार्ट का ऑप्शन, किसी चीज़ का ऑप्शन यहाँ पे नहीं था। सारी अपडेट आपको फोन पे में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारा, ये देखिए ओला कैब का यहाँ पर सुना हो गया, यहाँ पे ट्रेन का कन्फर्म टिकट का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। देखिए आपको यहाँ पे साइड में यहाँ पे आपको देखा है माई मनी, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारा आपको यहाँ पे फीचर आपको मिल जाएगा। फास्ट टिकट मिल जाएगा, फ़ोन पे गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा, आपको फ़ोन पे वॉलेट मिल जाएगा। आपको साइड में यहाँ पे बैंक अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद मेरा यहाँ पे ओनली एक बैंक यहाँ पे लिंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक। मैं यहाँ पे दूसरा बैंक यहाँ पे मैं लिंक करना चाहता हूँ, यहाँ पे ऐड न्यू बैंक अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना, यहाँ पे बहुत सारे बैंक की आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी। इंडिया में जितने बैंक है सब बैंक की यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। जो बैंक आपको यहाँ पे ऐड करना है वो बैंक को आपको यहाँ पे सर्च बाय बैंक नेम पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो बैंक आपको ऐड करना है वो बैंक आपको यहाँ पे नाम सर्च करना। जैसे मैं इंडियन बैंक को ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं इंडियन बैंक यहाँ पर सर्च करके, जैसे यहाँ पर मैं इंडियन बैंक यहाँ पर सर्च करता हूँ, इंडियन बैंक मैंने जैसे सर्च करा, यहाँ पे इंडियन बैंक यहाँ पे आ चुका है। देखिए यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने में देखिए यहाँ पे थोड़ा ये यहाँ वेटिंग यहाँ पे आपको थोड़ा वो करना, यहाँ पे लोडिंग ले रहा है। यहाँ पे देखिए ये बैंक मेरा यहाँ पे ऐड हो गया है, अकाउंट ऐड सक्सेसफुल। यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर लास्ट का 4 डिजिट आपको यहाँ पे शो कर देगा। ब्रांच मेरा जो यहाँ पे ब्रांच आपको शो कर जाएगा, किस व्यक्ति के नाम से अकाउंट, वो भी आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। इसका IFSC कोड यहाँ पे, ये IFSC कोड दिख रहा है। जो मेरा इसमें UPID वो UPID आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप इसका पिन को यहाँ पे आप रिसेट भी कर सकते हैं। ये मेरा पहले से पिन मैंने बना कर रखा है। चलिए यहाँ पे मेरा बैंक यहाँ पे ऐड हो चुका है, मैं इसको यहाँ पे डन कर लेता हूँ। डन करने के बाद देखिए यहाँ पे मैं इसका बैलेंस चेक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे चेक बैलेंस पर मैंने क्लिक करा, इस पर क्लिक करने के बाद देखिए मैं जो मेरा यहाँ पे पिन वो यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। डालने के बाद यहाँ पे ये थोड़ा यहाँ पे लोडिंग लेगा। मेरे अकाउंट में कितना टका है वो आपको यहाँ पे सारे पैसे यहाँ पे अकाउंट में शो कर देंगे। ये मेरे देखिए ये पैसा आपको यहाँ पे शो करता होगा। इस तरह से आप फोन पे में बैंक अकाउंट को लिंक करके बैलेंस चेक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो को पसंद, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड का शेयर कीजिए। मैंने कोई कन्फ्यूजन कॉमेंट करा आप नीचे पूछ सकते हैं।